प्रणाम यक्षराज कुबेर, प्रणाम देवराजेंद्र। पुंजिक स्थला, तुमने इतने कम समय में ही पूजा की सारी तैयारियां कर ली है। अति उत्तम देवराजेंद्र, आपने व्यवस्था उत्तम की है, किंतु किंतु क्या ऋषिवत? बजरंग बली पवन पुत्र बजरंग बली अंजनी सुत बजरंग बली ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली जय कपीश बजरंग बली महावीर बजरंग बली रामदूत बजरंग बली श्री राम भक्त बजरंग बली पंचमुखी बजरंग बली महाबली बजरंग बली हयहारी बजरंग बली हितकारी बजरंग बली जय 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 कर बाहर निकले जय 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 बजरंग बली शाप के कारण बल भूले जय 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 बजरंग बली क्या जाने पर शक्ति पाते जय 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 बजरंग बली राम लखन को कंधे पर बैठा उड़ते बजरंग बली राम भक्त को राम मिल गए जय 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 बजरंग बली सिया की खोज में राम दूत सागर लगे बजरंगी जय 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 बजरंग बली। देवराज, दुर्वासा ऋषि इंद्रलोक आ रहे हैं। के लिए हमें अच्छी से अच्छी व्यवस्था करनी होगी ताकि वो जब तक यहां पर रहें उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। पुंजिक स्थला, तुम्हें इंद्रलोक जाना है। वहां दुर्वासा ऋषि कोई विशेष अनुष्ठान करने वाले हैं। तुम्हें वहां की सारी व्यवस्था करनी है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आज से पुंजिक स्थला आपकी सेवा में रहेगी और सारी व्यवस्था करेगी। ओ ऋषिवर ध्यान लगा कर बैठे पुंजिक स्थला हो मगन। हो समर्पित हो के सेविका बन के करती सेवा लगा के मन चंचल अप्सरा उछल उछल के सारी व्यवस्था करती है ध्यान भंग होता ऋषिवर का उछल कूद जब करती है। दिन रात भागती रहती है
शांति से काम नहीं कर सकती। पुंजस्थला, हमने तुमसे कहा था कि हमारा ध्यान भंग मत करना, किंतु तुम एक बंदरिया की तरह इधर उधर उछलती कूदती रहती हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं, जा, अगले जन्म में बंदरिया हो जा। मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर, क्षमा कीजिए ऋषिवर। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं तो ये सब केवल आपके लिए कर रही थी, ताकि आपको जो कुछ चाहिए वो आपके पूछने से पूर्व ही आपके सामने हो, ताकि आपकी पूजा आराधना भली भांति संपन्न हो। पुंजस्थला, न जाने हमारे मुख से ये श्राप कैसे निकल गया। तुम तो हमारी सेवा कर रही थी, तुम तो वरदान के योग्य हो। फिर भी मुझे श्राप मिला ऋषिवर। इसमें भी ईश्वर की कोई लीला होगी। किंतु मैं तो श्रापित हो गई। मेरे निस्वार्थ सेवा के बदले में आपने मुझे दंड दिया। पुंजस्थला, हम श्राप वापस तो नहीं ले सकते, किंतु तुम्हें एक वरदान देते हैं कि वानर कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम इसी रूप में रहोगी। तुम एक ऐसे महान पुत्र को जन्म दोगी जिसके कारण तुम संसार में देवी के रूप में पूजी जाओगी, और पुत्र जन्म के कुछ वर्ष पश्चात जब तुम्हें कोई इस जन्म की याद दिलाएगा तो तुम शाप मुक्त हो जाओगे और कुबेर की नगरी अलकापुरी वापस आ जाओगी, और कुबेर की नगरी अलकापुरी वापस आ जाओगी। और कुबेर की नगरी अलकापुरी वापस आ जाओगी। दुर्वासा ऋषि ने मुझे बताया था, जब तुम पुत्र को जन्म दोगी और उसके बाद कोई तुम्हें इस जन्म के बारे में याद दिलाएगा तब तुम श्राप मुक्त हो जाओगी और अलकापुरी वापस आ जाओगी। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें श्राप मुक्त होकर अलकापुरी वापस चलना है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें श्राप मुक्त होकर अलकापुरी वापस चलना है। तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है ताकि तुम सबसे विदा ले सको। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। हम तुम्हारी वहीं प्रतीक्षा करेंगे। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। हम तुम्हारी वहीं प्रतीक्षा करेंगे। हमें यहां बैठे बैठे काफी समय व्यतीत हो गया है, पता नहीं पुत्री अंजना कहां है। देवी अंजना, हम सबको भूख लगी है, खाना परोसो। माँ खाना दो, भूख लगी है। अंजना रसोई में नहीं है, हम भी उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महल में भी वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस समय कहाँ जाएगी, महल में ही होगी। नहीं नहीं, हमने उसे सब जगह देख लिया।
महारानी जी तो छत पर गई थी दिए जलाने के लिए। हम अभी बुला कर लाते हैं। मौसी आप रहने दीजिए, मैं बुला के लाता हूँ माँ को। वैसे भी खाना तो वही देंगी। तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है ताकि तुम सबसे विदा ले सको। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। सब तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। बहुत भूख लगी, चलो चलो अब खाना परोसो। तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है, एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। हम तुम्हारी वही प्रतीक्षा करेंगे। अंजना क्या हुआ? अंजना तुम कुछ बोलती क्यों? पुत्री क्या कर रही हो? अंजना 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 द्वार खोलो, अंजना द्वार खोलो। जब तुम पुत्र को जन्म दोगी और उसके बाद कोई तुम्हें इस जन्म के बारे में याद दिलाएगा तब तुम श्राप मुक्त हो जाओगी और अलकापुरी वापस आ जाओ।
तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। अंजना, ये तो अंजना की आवाज है। अंजना, 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 द्वार खोलो। अंजना माँ, दरवाजा खोलो। माँ, भूख लगी है, दरवाजा खोलो। माँ, माँ खोलो। माँ बाहर आओ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? माँ देखो सब परेशान है, बाहर आओ। माँ अंजना को अचानक क्या हो गया? अभी तो कुछ समय पहले तो ठीक थी। यही तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है, अचानक ऐसा क्या हो गया कि अपने कक्ष में जाकर उसने द्वार ही बंद कर लिए। यदि अंजना को कोई परेशानी है तो उसे हम सबसे बतानी चाहिए। यदि वो हमसे बताएगी नहीं तो हम फिर क्या कर सकते हैं? अवश्य कोई गंभीर बात है, हमें प्रतीक्षा नहीं करनी है, हमें द्वार तोड़ देना है। नहीं पिताजी, मैं माँ को बाहर बुलाता हूँ, वो मेरी पुकार अनसुनी नहीं करेगी। माँ, माँ दरवाजा खोलो। क्या तुम अपने मारुति को इस तरह भूखा छोड़ सकती हो? तुम्हें मेरी सौगंध है। बस मारुति, बहुत हो चुका, अब तुम यहाँ से हट जाओ। अवश्य तुम्हारी माता किसी बात से परेशान है, हमें द्वार तोड़ना ही होगा। हाँ हाँ, अवश्य यही उचित होगा। अंजना। माँ, अंजना, ये सब क्या है? कहाँ, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। अंजना, हमारे तो प्राण ही निकल गए थे, स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया, किसी से कोई बात भी नहीं की। किसी के बात का उत्तर तक नहीं देना, क्या है ये सब? अंजना, यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो हम सबको बताओ, हम सब मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। स्वामी, हम अंजना को बचपन से जानते हैं, अवश्य ही वो किसी उलझन में है। हमें किसी
अनहोनी की आशंका लग रही है। नहीं अंजना, कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रही हो। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला कुछ छुपा सकती हूँ आपसे?